So we have done the technique of evaporation, sublimation, filtration. तो suspensions के लिए simple आप पढ़ के भी आए हुए हो पहले, और हमने की थी centrifugation. ये तीन techniques हमने discuss कर ली हुई हैं, ठीक है? Evaporation, जहां पर आप क्या करते हो, when we want to separate the components of the components of specially NCERT में ये term mentioned है, in order to separate the components of the ink. सी सॉल्ट की एप्लीकेशन हो सकती हैं, ठीक है? सबलिमेशन, व्हेन यू वांट टू सेपरेट द थिंग्स दैट सबलाइम ऑन हीटिंग, जो डायरेक्टली किस स्टेट में चेंज हो जाती हैं, गैसियस स्टेट में, फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट. तो उनको जब आपने सेपरेट करना है, यू विल बी एम्प्लॉइंग विच मेथड? सबलिमेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड, व्हेन यू आर हैविंग suspended particles, suspended particles मतलब solid को suspend किया हुआ है liquid में, and this method is very much used for the colloids, जहां पर आपको पता नहीं है कि आपका solid कहां पर है, but that is actually mixed with the liquid. So in that case you employ the centrifugation method in order to separate the butter from the cream, ठीक है? Milk के components separate करना, blood के components separate करना, तो उन सब के लिए हम centrifugation method use करते हैं. Okay, तो ये तीन methods हम अभी तक पढ़ के आए हैं. Now we will be starting with the fourth method. जो चौथा method है आपका, right down, that is separating funnel method. Separating funnel method. If I talk about the centrifugation method, उसमें क्या था, दोनों components जो है वो एक दूसरे के साथ mix होते हैं. हम ये नहीं देख पाते हैं कि कौन सा component जो है वो कहाँ पर present है. ऐसे ही है ना, centrifugation method में जब हम employ करते हैं, हम colloids की example लेते हैं. कोलाइडल्स में हमें नहीं दिखता है कि जो मिल्क है उसके अंदर की फैट प्रोटीन्स कहाँ पर है. दैट मींस वो एक दूसरे में मिक्स हुए होते हैं. दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, दैट वी कांट सी वेयर वन कंपोनेंट कंपोनेंट इज एंड वेयर द अदर कंपोनेंट इज, ठीक है? बट सेपरेटिंग फनल मेथड जो है, हम उन लिक्विड्स के लिए या उन सॉल्यूशंस के लिए एम्प्लॉय करते हैं दैट फॉर्म्स. सो हियर वी विल बी एम्प्लॉइंग दिस मेथड फॉर द सॉल्यूशन that forms two separate layers. जो दो आपके solutions हैं या जो भी आप solutions ले रहे हो, उसमें जो आपके दो components हैं वो अलग अलग layers बनाते हैं. Okay? जो भी आप components ले रहे हो, वो दोनों components जो हैं वो आपके अलग अलग layer formation करते हैं. And if we talk about such components, such solution, तो वो कौन से solutions होते हैं? Immiscible. यानी कि हम इसमें दोनों liquids लेंगे सबसे पहले. ये component जो है या ये जो technique है, हम solids के लिए नहीं employ करते हैं, ठीक है? ये हम liquids के लिए employ करते हैं. और वो दोनों liquids भी कैसे होने चाहिए, वो एक दूसरे में mix ना हो, ठीक है? So here we will be taking the liquids that basically don't mix with each other, and those liquids that don't mix with each other we call such liquids as immiscible liquids. Liquids that don't mix with each other. Okay, so we call such liquids as immiscible liquids. हाँ जी, give examples of any immiscible liquid. Oil and water. है? Liquid liquid का mixture चाहिए. और आपको नहीं मिलेंगे?
पेट्रोल इन वाटर, वेरी गुड। हाँ जी धीरेन, when when we extract crude oil from the surface we find that there are three types like gas, water and oil. तो एक तरह से आपके इसमें भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट आ सकते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, ठीक है, तो वही हम क्या लेते हैं, ओके। और ये टेक्निक जो है हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू सेपरेट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फ्रॉम वाटर। मैम टू सेपरेट आयरन ओर, टू सेपरेट मोल्टन आयरन ऑल्सो, ठीक है, वो मैं आपको बाकी बाद में बताती हूँ, राइट। कोल तो सॉलिड है, सॉलिड सोना लेना, कोल का है कि पेट्रोल का है, अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाते हैं। तो ऑयल इन वाटर, दोनों अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। ऑयल की तरह आपने पेट्रोल ले लिया, कैरोसिन ऑयल ले लिया, ये भी सारे सेम कैटेगरीज के हैं, तो ये भी सेपरेट लेयर्स बना देंगे। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे आप, इसने अल्कोहल की बात की है, बट अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। इसके अलावा आपके पास क्लोरोफॉर्म होती है, सुना है ना आपने नाम क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो जाती है, टॉल्यूइन है, बेंजीन है, ये सारे जो हैं ये कैसे सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है। हाँ जी बेटा, लिक्विड्स ही होते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनल, ये है आपकी सेपरेटिंग फनल, ठीक है, देयर इज नॉब ओवर इट, ये नॉब हमने खोलनी है, यहाँ से अपना सॉल्यूशन जो है वो आपने पोर करना है, ठीक है, ये नीचे बंद करने को और ऑन करने को, ठीक है, इसको टाइट कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा नीचे से नॉब जो है, इसको ओपन करोगे तो जो सॉल्यूशन है इसके थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो इसके थ्रू जो सॉल्यूशन है वो आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा फिनोमिना अप्लाई करते हैं, राइट, which phenomena is being employed in this case, so separation is done based on the properties of densities, ठीक है, हम यहाँ पर separation की कौन सी technique employ करेंगे, densities के basis पे उनको क्या करेंगे, separate करेंगे। so principle here is that liquids they are separated on the basis of their density. Liquids are separated on the basis of their densities. तो जो lighter one है वो ऊपर आ जाएगा, heavier one है वो नीचे आ जाएगा, तो in this way there will be formation of two separate layers. तो आपके पास दो layers बन जाएंगी इसमें सेपरेटिंग फनल में, देखिए ना अभी आपने सेपरेटिंग फनल लाइक दिस इट इज, तो यहाँ पर आपके पास दो लेयर्स आ जाएंगी, द फर्स्ट लेयर एंड द सेकेंड लेयर। पर पेंट भी जो है वो एमल्शंस होते हैं, कोलाइडल में ही चले जाते हैं, ठीक है, सो हेयर यू विल बी सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स, द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर, ठीक है। तो जब आपके पास क्लियरली दो लेयर्स आ गई, ये जो फर्स्ट लेयर है ये वाली लाइटर वाली लिक्विड की होगी, जो जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर वाली लेयर बनाएगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे वाली लेयर बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही जब मैं इसमें ऑयल एंड वाटर मिक्स करूंगी, okay, when I am going to mix oil and water in this separating funnel, what you will see ki water kaun si layer bana raha hai aur jo oil hai wo kaun si layer bana raha hai, first haan ji last deck water kaun si layer banayega, water heavier hai or lighter hai beta, aapne kabhi pani mein oil mix karke nahi dekha hai, पानी में ऑयल मिक्स किया है कभी, देखा है उसको, ऑयल कहाँ पे होता है, पानी के ऊपर,
हाँ जी बेटा देखिए मेरी बैंडेज भी हो गई। कैन यू सी टू लेयर्स? यस, टू सेपरेट लेयर्स आप देख सकते हो, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर शेक करते हैं एंड लेट इट रेस्ट फॉर सम टाइम, ताकि अच्छे से जो इनकी सेपरेशन है वो हो जाए। अभी आप देखोगे जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जितना भी वाटर है वो सारा नीचे आएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर रख देते हैं हम, उसके बाद में आपको इसकी सेपरेशन दिखाते हैं। नहीं फिल्टर क्यों होगा, हमने सेपरेट करना है दो चीजों को। वी आर जस्ट गोइंग टू सेपरेट, वी आर नॉट गोइंग टू प्यूरिफाई देम। ठीक है, हम सेपरेशन की टेक्निक्स कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन की नहीं। देखो हो गया, काफी हद तक दिख गया ना, अब आपको ऑयल जो है वो एक सेपरेट लेयर में बन गया है और वाटर जो है वो सेपरेट लेयर में आ गया है। ठीक है, चलो देखो अब आप आओ बेटा, इसको होल्ड करना है आपको, जस्ट होल्ड द बीकर लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसमें सेपरेशन करने लगे हैं। हम इसकी नॉब को ओपन कर रही हूँ बेटा, देखो पानी जो है वो स्लोली स्लोली ड्रिप करना स्टार्ट कर गया है। हाँ जी आना शुरू हो गया। तो ऐसे है, क्योंकि मुझे दिख रहा है पानी ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड को इंक्रीज करने लगी हूँ। नॉब काम करने लग गई अच्छे से, आ तो रहा है बट उसकी नॉब नहीं सही है। इसकी नॉब नहीं ठीक है एक्चुअली बेटा, पानी आ रहा है बट वो रनिंग से नहीं आ रहा है, रनिंग फ्लूइडिटी से नहीं आ रहा। डिश में ऑयल रहे तो उसकी थिकनेस खत्म हो जाती है, ऐसे ही रहेगा क्यों, थिकनेस की कम हो गई उसकी। हाँ आपने बस लास्ट पे जाके इसको बंद करना है, जब आपको दिखेगा कि जब ऑयल की लेयर आनी शुरू हो जाएगी, इसमें ऑयल था ना पहले से तो ऐसे लग रहा अभी भी है बता। मैं इसको धीरे धीरे बंद करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ठीक है, सो इन दिस वे यू विल सेपरेट देम। थोड़ा सा पानी रह गया, आपने उसको सेपरेट कर लिया। पेशेंट्स नाउ, ये मेथड समझ आ गया? ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस लिखी है, मैंने आपको बता भी दी है। पहले एप्लीकेशंस, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम द वाटर, टू सेपरेट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन वाटर। ठीक है, और क्या बताया था, पेट्रोल और कैरोसिन इन वाटर, उनको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक यूज और है इसका, वो भी लिख लो, देयर इज वन मोर यूज ऑफ दिस। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी प्रोसेस। तो इसकी एप्लीकेशंस में तीन एप्लीकेशंस मैंने आपको पहले लिखवाई हैं, अब चौथी एप्लीकेशन ऐड कर लो, इट इज यूज्ड इन द मेटलर्जी प्रोसेस। मेटलर्जी प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हम आयरन में से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने में यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका आयरन है उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट करते हैं।
इन द मेटलर्जी प्रोसेस वी आर हैविंग मोल्टन आयरन, आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि सेपरेटिंग टेक्निक में हमने दोनों लिक्विड जो लेने हैं वो कैसे लेने हैं, लिक्विड स्टेट में लेने, दोनों चीजें जो है वो लिक्विड स्टेट में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मोल्टन आयरन लेती हूँ, इसमें होती है एक्चुअली इम्प्योरिटीज जिनको हम क्या कहते हैं, स्लैग। जो आयरन में इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्लैग। तो हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, मतलब ये दोनों आपस में मिक्स्ड ही हैं ऑलरेडी, ठीक है, मिक्स्ड हैं। जब मैं इसको सेपरेटिंग फनल में डालती हूँ तो जो स्लैग है बीइंग लाइटर, जो स्लैग है वो क्या है, लाइटर है, और जो मोल्टन आयरन है डेट इज हैवियर। तो जब मैं इसको सेपरेटिंग फनल में लूंगी इन दोनों को, तो जो स्लैग है वो ऊपर आ जाएगी सेपरेटिंग फनल में, और जो मोल्टन आयरन है वो नीचे आ जाएगा। सो इन दिस वे वी विल बी ब्रिंगिंग अबाउट देयर सेपरेशन, ठीक है। तो इस तरह मैंने मोल्टन आयरन को अलग कर लेना है और उसमें से जो स्लैग है उसको अलग कर लेना, ठीक है जी, हो गया क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपको तीन लिक्विड दूं, सपोज वाटर, मर्करी एंड बेंजीन, आई एम गिविंग यू थ्री लिक्विड्स, वाटर, मर्करी एंड बेंजीन, और मैंने इन तीनों को सेपरेट करना है। मैंने एक बीकर में आपको ये तीन लिक्विड्स दे दिए हैं, मैंने इन तीनों को सेपरेट करना है कॉम्पोनेंट्स को, ठीक है। कौन सा मेथड आप एम्प्लॉय करोगे? तीनों मिक्स हुए हैं, ये नहीं है कि आप उसमें से वाटर और मर्करी को अलग कर लोगे या बेंजीन या मर्करी को अलग कर लोगे, तीनों एक दूसरे में है। तीनों के लिए आप कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करोगे? यू हैव टू सेपरेट वाटर, मर्करी एंड बेंजीन फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको एक मिक्सचर दिया है, उसमें ये तीन चीजें हैं, तीनों एक दूसरे में मिक्स हुई हुई हैं, ठीक है। आपने कैसे इनकी सेपरेशन करनी? बेटा मैंने आपको ये तीन चीजें एक बीकर में डाल के दी हैं, ठीक है, मैंने आपको ये तीन चीजें एक बीकर में डाल के दी हैं। मैंने आपसे पूछा है कि इन तीनों को मैं कैसे सेपरेट करूं, क्या टेक्निक आप एम्प्लॉय करूं? जी अपरन बोलिए। मैम माइट बी बाय इवेपोरेशन। बाय इवेपोरेशन। ग्रेन मैम वी कैन लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम एंड देन सेपरेट इट यूजिंग सेपरेटिंग फनल। वेरी गुड, हम सेपरेटिंग फनल मैम एज मर्करी इज हैवियर देन वाटर इट विल सेटल डाउन। वेरी गुड बेटा, जब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी कराया नहीं है, मैं क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन क्यों पूछूंगी आपसे? जो कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछूंगी ना मैं आपसे। पहली बात, आपने दो के लिए बोला, आपने कहा ना वाटर और समथिंग एल्स यू सेड बेंजीन आई गेस, तो दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तीनों एक में ही दिए हुए हैं आपको। अब देखो इसमें से जो तीन लिक्विड्स हैं ये अलग अलग लेयर्स फॉर्मेशन करेंगे, सबसे हैवियर कौन सा होगा? फिर द लोअर लेयर दैट इज एक्चुअली द लेयर दैट इज फॉर्म्ड बाय द हैवियर लिक्विड, जो हैवियर लिक्विड है वो बनाता है। आपने हैवियर कौन सा कहा है? अब मुझे ये बताओ वाटर और मर्करी में से कौन सा हैवियर होगा? सॉरी, वाटर और बेंजीन में से। श्योर? हैव यू एवर सीन एसीटोन? एसीटोन को हाथ में लेते हो तो हाथ में लेते लेते इवेपोरेट हो जाता है, तो फिर वो हैवियर कैसे होगा? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से भी लाइटर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बेंजीन जो है वो सबसे ऊपर वाली यानी कि लाइटर लेयर बनाएगा,
एंड जो मरकरी है वो सबसे नीचे वाली यानी कि हैवियर लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने पहले इसको सेपरेट कर लेना है, फिर इसको सेपरेट कर लेना, और ये वाला सॉल्यूशन में बाद में। कौन सा ऑयल लिया मैंने? ऑयल लाइटर है वाटर से, तभी वो ऊपर था। जो लाइटर है वो ऊपर है, lighter substances they will float on the head है? हाँ, तो सबसे पहले आप मर्करी कलेक्ट करोगे, फिर दूसरा वाटर कलेक्ट करोगे, बेंजीन इस फनल में ही रह जाएगा फिर। हाँ, तो उसको बाद में प्यूरिफाई कर लो। हम सेपरेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, हम सेपरेट करने की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, पानी को यूज करने की नहीं बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड नाउ। राइट डाउन द नेक्स्ट मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। राइट डाउन द नेक्स्ट मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। सो आपकी एनसीईआरटी के बुक में क्या हेडिंग है? हाउ टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो आपके पास इम्प्योर सैंपल है जिसमें आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट दिए हुए हैं क्रिस्टल्स, आपने उसको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना है। तो जहां पर भी क्रिस्टल्स की बात करेंगे हम, वी विल बी एम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो लोअर क्लासेस में आप क्रिस्टलाइजेशन का मेथड पढ़ के आए हो, सेवेंथ में भी आप पढ़ के आए हो, एट्थ में भी आपने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, हाँ जी, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना है हमने। ठीक है, उस वाटर में हमने कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन बनाना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर क्या करना है उसमें? थोड़ा सा आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। ठीक है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको हमने रिमूव करना है बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू। फिर आपने इसको हीट करना है टिल द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। जब तक इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट नहीं आ जाता हमने, तब तक इसको हीट करना है। आफ्टर अटेनिंग द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट देन वी हैव टू फिल्टर इट आउट। जो आपके पास क्लियर सॉल्यूशन आया है उसको हमने क्या कर लेना है? फिल्टर कर लेना है। ओके, फिल्टर करने के बाद हमने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। राइट, तो यू विल सी आफ्टर सम टाइम, पहले लिक्विड था, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी कि जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और इधर वाटर जो है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दे विल, और पीछे जो लिक्विड बच गया है उसको हम क्या कहते हैं? मदर लिक्विड। ठीक है, क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हो गए और पीछे जो लिक्विड बच गया है उसको हम क्या कहते हैं? मदर लिक्विड। ठीक है, ये वेस्ट होता है हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली डिस्कार्डेड, क्योंकि हमें मेन मतलब किससे है? क्रिस्टल्स है, तो हमने क्रिस्टल्स लेने हैं, क्रिस्टल्स को ड्राई कर लेना है, जो एक्सेस वाटर है उसको फेंक देना है। वी विल बी डिस्कार्डिंग द एक्सेस मदर लीकर। ठीक है, एंड वी विल बी गेटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने उसको ड्राई कर लेना है एंड देन वी विल बी यूजिंग इट। मदर लीकर कहते हैं कि बेटा नाम है उसका कि एक्स्ट्रा लिक्विड जो आया है जिसमें से वो एक्सट्रैक्ट आउट हुए हैं क्रिस्टल। क्या
अभी वो प्योर ही होंगे, मदर लीकर, नॉट लीक्विड, मदर लीकर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है जी, दिस इज द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो यू कैन राइट डाउन, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड, विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया कि हमने क्या करना है, हमने क्रिस्टल को सेपरेट करना है सॉल्यूशन में से, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल, पूरा ये मैंने आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है। दिस यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, नाउ लिख सकते हो। ठीक है, अब